कानपुर के बुक्कनपुर गांव में हाल ही में बनाई गई सड़क का विधायक उमेश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने कहा है कि निलोड़ा से गाधारोड़ा होकर नारसन जाने वाले मार्ग पर जल्द सड़क बिछाने का कार्य शुरू हो जाएगा। सड़क का निर्माण मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने बताया कि लड़ोड़ा से गाधारोड़ा बुक्कनपुर और मुंडलाना से होते हुए नारसन जाने वाला मार्ग काफ़ी खस्ता हाल है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, 18 किलोमीटर की भी सड़क स्वीकृत हुई है, वो मार्च तक पूरी हो जाएगी। जो यहाँ से अपना लंडोरा से लेकर और गाधारोना बुक्कनपुर होते हुए नारसन तक जाएगी। हम कह रहे हैं आप मौके पर जाइए और हमें बताइए कि कौन सा काम नहीं हुआ। विपक्ष का काम तो क्या है, लूला लंगड़ा विपक्ष है, ठीक है, बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अब जब किसी की आप आलोचना करोगे तो क्या बोलोगे, कुछ तो बोलोगे। हमारा ये कहना है कि हमने जो भी अखबार में दिया है उसकी एक भी लाइन आप किसी जगह मौके पर जाकर धरातल पर जाकर झूठी साबित कर दो। कांग्रेस बोलती है कि हम सन 47 में आजाद हुए और बीजेपी बोलती है कि हम 14 में आजाद हुए और हम कहते हैं कि हम आजाद हुए 22 में, जब से विधायक उमेश कुमार जी आए हैं, जब से लगता है कि हम आजाद हो गए और हमारे ऊपर बांगर की साइड गुलामी ये थी कि हमारे कभी चैंपियन बोलते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, हमारे यहाँ तो कोई विकास का दिखता नहीं।